जय श्री राम, जय श्री राम। आज की इस नॉमिनेशन की सभा में जिनकी नॉमिनेशन होगा, बंगाल की तापसी बहन तापसी मंडल जी, हमारी जिला की अध्यक्ष भाई नवारुण जी, प्रदेश के नेता भाई नितेश तिवारी जी मंच पे बैठे हुए, तमाम नेतागण भाई और बहनों, मैं आज जब इधर आई रहा था सुबह कलकत्ता से, थोड़े देर में हमारी नेत्री बहन स्मृति ईरानी जी हम लोगों के बीच में आएगी, बाबुल सुप्रियो जी आएंगे और हम लोग नामांकन भरने के लिए शुभेंदुदा और तापसी जी का नामांकन भरने के लिए जाएंगे। मैं जब आज सुबह कलकत्ता से आ रहा था तमलुक में वीरंगना मातंगिनी हजरा की जन्मस्थान जाके नमस्कार करके आया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज दिन की एक महत्व है, 12 मार्च यह नॉमिनेशन हो रहा है। 91 साल पहले महात्मा गांधी बापू साबरमती से दांडी तक सॉल्ट के खिलाफ अंग्रेजों ने जो टैक्स लगाई थी, यह नमक भारत की थी, अंग्रेजों की कट मनी के खिलाफ, पीसी के खिलाफ लवण सत्याग्रह हुई थी, दांडी यात्रा हुई थी। आजादी को 75 साल पूरा 2022 में होगा। आज प्रधानमंत्री उसी का शुभारंभ श्री गणेश दांडी यात्रा की कर रहे हैं अहमदाबाद की साबरमती आश्रम में। आने वाले 1 तारीख को बंगाल में कट मनी के खिलाफ, सोनाबाजी के खिलाफ भी निर्णय होगा, होगा कि नहीं होगा भाई और बहनों। उसकी नेतृत्व भाई शुभेंदु अधिकारी और बहन हमारी यहां लेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 2 मई के बाद सरकार बनेगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। मीडिया के मित्रों ने हमें पूछा कि नंदीग्राम में किसकी विजय होगा, दीदी 2 दिन पहले यहां आके कही कि मैं नंदीग्राम की लाठी खाई हूं। दीदी मैं तब भी 2006-07 में नंदीग्राम आया था, आप जब लाठी खाने की बात कह रहे हैं, आप किसके कंधे पे बैठे थे? लाठी पहले कौन खाया? लाठी खाने वाला पहले भाई शुभेंदु अधिकारी था। लड़ाई तो शुभेंदु अधिकारी यहां लड़े थे, आज भी लड़ाई हो रहा है। मोदी जी ने पैसा दिल्ली से भेजा, माताओं के लिए बहनों के लिए चावल भेजा, आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपया प्रति परिवार के लिए भेजने का व्यवस्था किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों के लिए साल में 6000 रुपया भेजा। बंगाल में वो मिल रहा है क्या? बंगाल में क्यों नहीं मिल रहा है? माताओं को, बहनों को, गरीबों को आयुष्मान भारत योजना क्यों नहीं मिल रहा है? यह दीदी नहीं चाहती है। सही कहा प्रधानमंत्री जी ने ब्रिगेड की रैली में, 10 साल पहले बमवादियों के अत्याचार के खिलाफ जनता ने दीदी को बंगाल सौंपा था। दीदी कभी बंगाल की दीदी नहीं रही, दीदी पीसी मां बन गई,
स्थायी पूर्वक की हुआ बन गई, यदि बंगाल की नहीं रही। मित्रों, बंगाल में कल्याणकारी शासन चाहिए, बंगाल में गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए, बंगाल में नौजवानों को रोजगार मिलनी चाहिए। पिछले महीने में प्रधानमंत्री आए थे, हल्द्वानी में अपार संभावना है। भारत सरकार चाहती है बंगाल की परिवर्तन नंदीग्राम हल्द्वानी इसी इलाका से हो, पूर्व मिदनापुर से हो। पूर्व मिदनापुर की ताकत इतनी है बंगाल भर के नौजवानों को रोजगार दे सकती है, इतनी ताकत हल्द्वानी इलाका में है। लेकिन यहाँ की दीदी वाली सरकार पिछले 10 साल में कर नहीं पाई। इसलिए आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जिनकी नामांकन आज होगी, भाई शुभेंदु जी, हमारी यहाँ की बहन विधायिका को आप कमल में पद्म फूले बहुत वोट दे के जिताएंगे, ये पूरा मेरा विश्वास है। आज मातंगिनी हजरा को, वीरांगना मातंगिनी हजरा को, जिनकी जान चली गई थी अंग्रेजों के अत्याचार के कारण, भारत छोड़ो आंदोलन ने अपनी सीना में गोली ली लेकिन तिरंगा नहीं छोड़ी। ऐसे ही आज एक मौका आई है, जब आजादी के 75 साल पूरा होगा हमें सोनार बंगला के काम शुरू करना पड़ेगा। यही निवेदन करके मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जय श्री राम। जय जय श्री राम।